कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन की सत्ता में भूखे रहने और बेहद क्रूर होने की प्रतिष्ठा है। किम पर आरोप है कि उन्होंने सत्ता पर कब्जा करने के लिए मलेशियाई हवाई अड्डे पर अपने सौतेले भाई की हत्या की। इस बार एक मजबूत अफवाह है कि किम ने अपनी बीमारी का फायदा उठाकर सत्ता को जब्त करने की कोशिश के लिए अपनी ही बहन की हत्या कर दी। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स के अनुसार किम जोंग उन की बहन किम जोंग इयो को आखिरी बार 27 जुलाई को सार्वजनिक रूप में देखा गया था, उसे तब से नहीं देखा गया है। बीमारी के बहाने किम ने सत्ता को जब्त करने के आरोप में इयो को मार डाला। हालांकि कुछ विश्लेषकों के अनुसार किम जोंग उन अपने भाई से सत्ता हस्तांतरण की अफवाहों के कारण सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बाद उनकी बहन को देश की सत्तारूढ़ प्रणाली में दूसरी कमान माना जाता है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले खबर फैली थी कि किम जोंग उन कोमा में थे। कई दक्षिण कोरियाई राजनयिकों ने यह भी दावा किया है कि उनकी बहन यू उस समय देश की प्रभारी थी। इतना ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दक्षिण कोरिया के एक अनुभवी राजनयिक चांग सोंग मिन ने कहा कि कोई भी उत्तर कोरियाई नेता स्वेच्छा से सत्ता नहीं सौंपेगा, यद्यपि वो सेन विद्रोह से गंभीर रूप से बीमार या अपदस्त नहीं था। मुझे लगता है कि किम कोमा में है, हालांकि वो अभी तक मरा नहीं है। लेकिन किम हाल ही में सभी अटकलों को दूर करते हुए सार्वजनिक रूप से सामने आए। उन्होंने दोहराया है कि वो अच्छे स्वास्थ्य में हैं। इस बीच पारिवारिक परंपरा में किम जोंग उन के बारे में बहुत कम जानकारी है। हालांकि 33 वर्षीय किम की बीमारी की खबर के बाद से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चर्चा का केंद्र रहा है। किम जोंग उन 2016 से ही सुर्खियां बटोर रहे हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का दावा है कि दादाजी किम के बाद सिस्टर यो द्वारा उत्तर कोरिया पर शासन किया जाएगा। किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की केंद्रीय समिति में दादाजी किम की चीफ ऑफ स्टाफ बैठक में भाग लिया। बहनों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ गठबंधन बनाने के लिए किम के प्रयासों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।